तो आज हम बना रहे हैं समर स्पेशल मैंगो केक विदाउट ओवन, विदाउट क्रीम एंड विदाउट एग्स। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे हाफ कप शुगर एंड टू मैंगोस। मैंगोस आपके बहुत मीठे होने चाहिए। अपने मैंगोस को अब हम ग्राइंड कर लेते हैं। हमारी मैंगो प्यूरी अच्छे से रेडी हो गई है। इसमें आपने कोई भी चीज़ या पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना। अब हम अपनी मैंगो ग्लेज रेडी करते हैं। इधर हमने एक पैन लिए, इसमें हम मैंगो प्यूरी ऐड करेंगे। और साथ ही इसमें हम अपनी हाफ कप शुगर ऐड कर देंगे। इसे आपने कॉन्टीन्यूसली स्टर करना है। अगर आप इसे एक मिनट के लिए भी छोड़ेंगे तो ये फौरन से नीचे लग जाएगी। इसे स्टर करते हुए हमें 3 मिनट हो गए। आप इसमें चाहें तो फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमें मैंगो का ओरिजिनल कलर ही चाहिए। 5 मिनट्स हो गए हैं और हमारी ग्लेज अच्छे से रेडी हो गई है। अब हम इसे कूल डाउन होने देंगे। अब हम केक का बैटर रेडी कर लेते हैं। सबसे पहले हम हाफ कप पाउडर शुगर लेंगे। उसके बाद हाफ कप ऑयल, आप बटर भी यूज कर सकते हैं। 2 ड्रॉप्स वनीला एसेंस ऐड करेंगे, 1 पिंच सॉल्ट और 1 कप मिल्क, वो भी रूम टेम्परेचर पर। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम बैटर में अपने कुछ ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हैं। यहाँ हमारे पास 2 कप मैदा है, जिसे हमने पहले स्ट्रेन कर लिया था। अब हम इसे दोबारा कर रहे हैं। फिर इसमें 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे और साथ ही 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा। अच्छे से आपने इसे मिक्स कर लेना है ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। एक बात का आपने ख्याल रखना है, जब भी आप इसमें बेकिंग पाउडर डालें तो आपने इसे ज़्यादा देर बीट नहीं करना, वरना आपका केक सॉफ्ट नहीं बनेगा। इसी के साथ हम इसमें 4 टेबलस्पून अपना मैंगो ग्लेज ऐड कर देंगे। और ये देखिए हमारा ओरिजिनल कलर कितना अच्छा आ गया। और यहाँ पे हमने अपने बर्तन को प्री हीट होने के लिए रख दिया। फिर हम अपना केक पैन लेंगे, उसमें बटर पेपर लगाएंगे और इसे ऑयल के साथ थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे। पैन हमारा 8 इंचेस का है। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो इस पे आप ऑयल ग्रीस करके मैदा स्प्रिंकल कर लें। उससे आपका केक स्टिकी नहीं होगा और आपको बटर पेपर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसे हम हल्का सा डैब कर लेंगे। केक को हम इसमें 35 मिनट्स के लिए पकने देंगे। हमारे केक को पकते हुए 30 मिनट्स हो गए हैं। और ये देखिए हमारा केक कितना सॉफ्ट बना है। इधर हमने चॉकलेट लिए, इसमें हम 3 टेबलस्पून मिल्क ऐड करेंगे। जब तक चॉकलेट हमारी मेल्ट होती है तब तक हम अपने केक को कट कर लेते हैं। अब हम अपने केक पर मैंगो ग्लेज लगाएंगे। चॉकलेट हमारी मेल्ट हो गई, अब हम इसे फिल करते हैं। आप इसकी जगह कोई भी पेपर ले सकते हैं।